हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं हेयर केयर के लिए जो ऑयल बनाती हूँ वो मैं ऑयल कैसे बनाती हूँ। जब आप लोग ये वाला ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद केराटीन की या बाल स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आप को 100% इसके जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे। हम लोगों को क्या चीज़ें चाहिए? हम लोग को जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें। एक ऑलिव ऑयल है हमारे पास, और मेरे पास लिप्टन की ग्रीन टी है। इसके इसके मुझे दो या दो से तीन जो है ना टी बैग्स चाहिए, और एक मुझे एक जार चाहिए जिसमें मैंने इसे रेडी करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऑलिव ऑयल जो है ना, अब अगर आपने इसे मतलब 1 वीक का बनाना या 2-3 दिन का बनाना तो ठीक है। मैं इसे मतलब 2 दिन का जैसे मैं बनाने लगी हूँ, तो मैं इसमें कितना ऑलिव ऑयल लूँगी, इतनी क्वांटिटी में मैं ऑलिव ऑयल लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 टी बैग्स जो है ना वो डालूँगी। ये मैंने टी बैग इसमें से निकाल लिया। अब इसे मैं ओपन करके तो इस जार में डाल देती हूँ। अब आप लोगों ने इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। और आपने इसे मैक्सिमम जो है वो 3 घंटे के लिए इसे छोड़ दें, और इसके बाद इसे नाइट को अपने सर पे अप्लाई करें, और मॉर्निंग टाइम आप इसे वॉश करें बालों को, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है बाल वो स्ट्रेट होंगे, सिल्की होंगे, स्मूथ होंगे, और डैंड्रफ भाग जाएगी और हेयर फॉल कम हो जाएगा। और मैं इसे मुझे एक्चुअली किसी ने बताया था इसका हेयर फॉल मुझे था, तो मुझे किसी ने बताया तो वो ये तो बिल्कुल मैजिक की तरह है ना। तो मैंने जैसे ही इसे अप्लाई किया, आप यकीन कीजिए कि जस्ट 2 to 3 times मैंने इसे अप्लाई किया तो मुझे इसके 100% जो है वो रिज़ल्ट मिले। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग इसे लाजमी यूज़ कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको, जिनको भी हेयर फॉल है या डैंड्रफ है या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो वो इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दे दें। थैंक यू, बाय।